एक बार में फिल कर दो। साइज में तो ये बहुत So what is up guys and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाला हूँ उसका नाम है लिक्विड मोली 40 शूटर। तो वो एक्चुअली आ चुका है, तो चलो पहले उसको अनबॉक्स करते हैं, फिर उसको अपने बाइक में फिल करेंगे और मैं चेक करके बताऊंगा कि ये सच में इफेक्टिव है या नहीं। तो वीडियो पूरा देखना। सो गाइज, हेयर इज द लिक्विड मोली 40 शूटर। तो चलो इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये रहा छोटा सा बॉक्स एंड साइज में तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलो देखते हैं कि कैसा काम करता है। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मैं बाइक पे आ चुका हूँ, लेकिन इसको फिल करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हारे पास कम से कम 5 से 10 लीटर के बीच में पेट्रोल होना चाहिए। तो मेरे पास आई गेस 5 लीटर के आसपास है, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो इसलिए मैं अभी क्या करता हूँ कि 200 का पेट्रोल फिल करवा लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको फिल करेंगे, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और इसके जो रिजल्ट्स हैं मैं तुम्हें 2 दिन बाद चला के तुम्हें बता दूँगा, जो कि तुम्हें वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो पहले पेट्रोल फिल करवा लेते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से सिर्फ कुछ ही मीटर दूर एक पेट्रोल पंप है, शेल से करवाऊंगा। तो मैं इसमें शेल का रिकमेंड करता हूँ सबको, क्योंकि शेल आई गेस मेरे को तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा है। और अब तुम जाके देखोगे उनकी सर्विस, थोड़ी यूनिक सी सर्विस, ऐसा कोई और पेट्रोल पंप में कोई करता नहीं है बेसिकली। तो चलो देखते हैं। नहीं नहीं नॉर्मल। ओके। थैंक यू। ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पे फिल करने की कोशिश करते हैं, इसको पहले खोलते हैं। अभी खुलता कैसे है ये तो मेरे को पता नहीं। खुल गया। खुल गया। इसको निकालूं कैसे? तो इसको ऐसे खोलना पूरा, इसको फेंको और तो एक बार में फिल कर दो। इट्स बीन अराउंड 12 days गाइस मुझे लिक्विड मोली को बाइक पे फिल करते हुए। तो मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में। तो नंबर फर्स्ट, जो उसमें लिखा हुआ था थ्रॉटल इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, तो इट्स क्वाइट गुड इनफ। आई मीन जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है बाइक का पहले से वो एज कम्पेयर टू पहले जैसे था उससे बहुत बेटर हुआ है। तो ऑनेस्टली थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा हुआ है पहले से। टॉकिंग अबाउट वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन जो थे वो कुछ 8-9 दिन तक अच्छे थे। आई मीन बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत हद तक कम हो गए थे। एंड यस इट वॉज गुड। एंड अभी कुछ 12 दिनों के बाद ये 2 दिन से क्या हो रहा है, वो वाइब्रेशन फिर से आ गए हैं। आई मीन थोड़ा बहुत बाइक वाइब्रेट फिर से कर रहा है, उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन वो वाइब्रेशन फिर से स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सेकेंड था। और थर्ड जो था वो माइलेज, तो माइलेज का मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं उसका कोई टेस्ट किया नहीं।
एडवांटेजेस ऑफ बाइंग लिक्विड मॉली, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ क्वार्टर रिस्पॉन्स पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो दिस इज ऑल इट गाइस। तो मैंने ये वीडियो 12 दिन चलाने के बाद ही अपलोड किया है, लिक्विड मॉली का जो मैं खरीदा था अपने भाई को करवाया था। एंड यस, अब मैं जब भी एवरी 2 मंथ्स में वो प्रोडक्ट खरीदूंगा और उसको यूज़ करूँगा। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा मेरे बाइक पे। करवा